मध्य प्रदेश में बीते दिनों से सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का सिलसिला तेजी से चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस अपने मिशन 2023 में जुटी हुई है, जिसको लेकर कमलनाथ ने अब प्रदेश के जिलों से फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस उनके जिलों पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है जिनमें कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है। बीते दिनों से कमलनाथ लगातार जिलों का दौरा कर पार्टी की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी कमलनाथ कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। कमलनाथ के मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ युवा के करियर की हत्या करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस को युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन कमलनाथ की नीतियों से युवाओं का करियर खत्म हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब अजय सिंह जैसे बड़े नेता मुखर हो सकते हैं, तो साफ है कि कांग्रेस में अंतर कलह उभर कर आ रही है। गौरतलब रहे कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के वोट प्रतिशत के मुकाबले कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम रहा था। यही कारण है कि अब कांग्रेस अगले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी और संगठन को मजबूती देने की दिशा में काम करना शुरू कर चुकी है।